बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा जैकुलिन फर्नांडिस की रहायशी इमारत पर आग लग गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक रात 8 बजे के करीब मुंबई के लापे बांद्रा वेस्ट में वाके जैकुलिन फर्नांडिस की रहायशी इमारत पर आग लगी। ताहम फायर ब्रिगेड के अमले ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रिपोर्ट में बताया गया कि मकामी लोगों के मुताबिक ये आग इमारत की 13वें मंजिल के एक किचन में लगी थी, जबकि इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान और या किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई। भारतीय मीडिया का कहना है कि जैकुलिन फर्नांडिस इस इमारत के एक 5BH की पुरतयश रहायश गाह में मुकीम है, लेकिन जिस वक्त ये वाकया पेश आया तो अदाकारा अपनी रहायश गाह पर मौजूद नहीं थी, बल्कि कहा जा रहा है कि अदाकारा उन दिनों काम के सिलसिले में दुबई में मौजूद है। वाजह रहे कि जैकुलिन फर्नांडिस इससे कब्ल जोहू के इस फ्लैट में रहायश पजीर थी, जो कभी बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की मलकियत थी। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान जलने से बाल बाल बच गईं और इन्हें सिर्फ पीठ पर मामूली जख्म आए हैं। अदाकारा अपनी दो नई फिल्मों ए वतन मेरे वतन और मर्डर मुबारक की तशहीरी मुहिम में मसरूफ है और उसी दौरान ये हादसा पेश आया। इंस्टाग्राम अकाउंट पर अदाकारा ने अपनी एक वीडियो शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके पीठ पर मरहम लगी हुई है। इस मौका पर सारा अली खान शायराना अंदाज में मद्दाहों को बताती हैं कि अब क्या करें, जल गया मेरा पेट, खो गई मैं लेट। वाजे रहे कि अदाकारा की नई फिल्म ए वतन मेरे वतन मार्च 21 को प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी, जबकि मर्डर मुबारक मार्च 15 को नेटफ्लिक्स की जीनत बनेगी। बॉलीवुड कुंग शाहरुख खान का अपनी बेटी और अदाकारा सुहाना खान के साथ पहला इश्तिहार सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये इश्तिहार अदाकार के बड़े बेटे आर्यन खान के कलाथिन बरानट के लिए तैयार किया गया है। शाहरुख खान ने पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ किसी प्रोजेक्ट में काम किया है। बाप बेटी की इस जोड़ी ने आर्यन खान के लग्जरी स्ट्रेट वेयर कलाथिन बरानट टेबल एक्स की नई इश्तिहारी वीडियो में साथ काम किया है, जिसकी वीडियो कुंग खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की। मेगा स्टार ने 8 मार्च को खवातीन के आलमी दिन के मौका पर इश्तिहार की वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। अशहार का आगाज शाहरुख खान की अंगूठियों के साथ होता है, जिन पर बरानट का नाम होता है। चंद सेकंड बाद बरानट का लोगो नजर आता है और फिर सुहाना खान की एंट्री होती है। सुहाना खान जादुई छड़ी से डेवोल एक्स के बिल्कुल साथ डिज्नी का लोगो बनाकर दोनों बरानट के इश्तराक का ऐलान करती है और फिर अपने वालिद शाहरुख खान को देखकर मुस्कुराती हैं। शाहरुख खान ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे लिए खवातीन के आलमी दिन के मौका पर अपनी बेटी के साथ स्क्रीन शेयर करना सबसे बेहतरीन है और मेरे बड़े बेटे ने भी अपना काम कर दिया है, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। आर्यन खान की तारीफ करते हुए कुंग खान ने कहा कि आर्यन, मैंने आपको मुख्तसर वक्त दिया था और इसके बावजूद आपने बेहतरीन काम किया है। उम्मीद है कि आपका बरानट डी YAVOLX कामयाबी की ऊंची उड़ान भरेगा। वाजह रहे कि आर्यन खान ने 2023 में अप्रैल 30 को अपने बरानट का आगाज किया था। उनके बरानट ने बड़े पैमाने पर तवज्जो हासिल की थी और उनकी तमाम कलेक्शन तेजी से फरोख्त हुई थी। शाहरुख खान ने अपने बेटे के लग्जरी बरानट के लिए मॉडलिंग की थी। उन्होंने आर्यन के बरानट की चमड़े की जैकेट पर ऑटोग्राफ दिया था, जिसकी कीमत भारतीय 2 लाख रुपए से ज्यादा थी, जबकि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और माजी की सुपर हट फिल्म तारे जमीन पर के चाइल्ड स्टार दर्शील सिफारे का इश्तिहार सोशल मीडिया वायरल हो गया, जिसमें अदाकार ने मुनफरिद किरदार अदा किए हैं। तस्वीर देखकर मद्दा काफी पुरजोश हो गए थे, क्योंकि इनमें से एक तस्वीर में आमिर खान के साथ तारे जमीन पर के चाइल्ड स्टार दर्शील सिफारे भी मौजूद। अब दर्शील सिफारे ने मद्दाहों के इंतजार को खत्म करते हुए अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर आमिर खान और अपने नए इश्तिहार की वीडियो पोस्ट की है। ये इश्तिहार सॉफ्ट ड्रिंक के लिए बनाया गया है। इश्तिहार में आमिर खान को बूढ़े आदमी के रूप से लेकर जंगली आदमी
पायलट और खलाबाज के रूप में देखा जा सकता है, जबकि दर्शील सिफारे इश्तिहार में आमिर खान के पोते बने हुए हैं। ये इश्तिहारी वीडियो देखकर मद्दा खुश तो हुए, लेकिन ये सवाल भी कर रहे हैं कि आमिर खान और दर्शील सिफारे दोबारा एक साथ फिल्म में कब नजर आएंगे। वाजह रहे कि आमिर खान अब अपनी नई फिल्म सितारे जमीन पर में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग का आगाज हो गया है और इस फिल्म में भी उनके साथ एक मर्तबा फिर फिल्म तारे जमीन पर के चाइल्ड स्टार दर्शील सिफारे जलवा गिर होंगे। फिल्म सितारे जमीन पर में आमिर खान के साथ अदाकारा जेनेली देशमुख मरकजी किरदार में नजर आएंगी। वो आमिर खान की मोहब्बत का किरदार निभाएंगी और अपने मरकजी किरदार को एबनॉर्मल बच्चों की ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट मुहैया करेंगी।